हेलो गाइस, नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देखिए कैसा जिंदगी हो गया, इतना राशन लेने के लिए इतना दूर आ रखा है, अकेले, दोस्त भी नहीं है कोई भी, थक गया अभी बहुत ज़्यादा, कितना दूर पहुंचना है। देखिए गाइस, आधा तक तो रास्ता है, उसके बाद तो फिर जंगल ही जंगल जाना है, जंगल नहीं नीचे नदी से जाना है। थक गया गाइस, 20 किलो बोका हुआ है। ऐसा हो रखा है, देखिए पत्थर गिर गिर के रास्ता में, इसमें थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा गाइस। ऊपर से कभी भी गिर सकता है पत्थर। देखिए गाइस, मौसम तो बहुत सुहाना सुहाना मौसम बना रखा है, पर क्या करें, ऐसा है रास्ता पूरा पत्थर पत्थर, आगे तो रास्ता ही नहीं है। गाइस अभी थोड़ा नीचे से, वहाँ नीचे से आके अभी ये रास्ता चल रहे हैं। देखिए पहले ये रास्ता बहुत डेंजर था, अभी थोड़ा बहुत वो काम बोलो करने लोग वाला ने थोड़ा बना दिया है, इसलिए थोड़ा अच्छा हो रखा हुआ है। देखिए गाइस इसे कोने कोने से चलना पड़ रहा है, आज तो मेरा कोई भी नहीं है, दोस्त सब भी कोई भी नहीं है, अकेले आए हम राशन लेने के लिए। देखिए क्या करें, ऐसे ही जिंदगी में कभी घाम कभी पानी। देखिए गाइस नीचे गिरना है, अभी नीचे झरना है। देखिए यहाँ से होके आए अभी, 20 किलो का तो मेरा राशि नहीं है, पता नहीं घर कैसे लुढ़कते पुरकते पहुँच जाएंगे आज। नीचे से सोचा कि घर जाते हो जाएगा, कर सकेंगे बोल के सोचा था, पर अभी चलते चलते पता चल रहा है कि कठिन ही होगा, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है, अभी भी बहुत दूर जाना है। ओह माय गॉड, एक बार मुझे पूरा बैग खोल के आराम से रेस्ट करने का मन है, अब यहाँ पे बैठेंगे, और आगे तो बहुत ज़्यादा धूप है, यहाँ बैठेंगे। ओ माय गॉड, सोचा था यहाँ बैठने के लिए, तो यहाँ पे अगर बैग रखेंगे तो यहाँ पे कांटा का प्लांट से और कांटा चुभ जाएगा फिर। गाइस अभी जब बैग खोलेंगे आप लोग को दिखाएंगे, इतना बड़ा बैग बुक के चल रहे। हे भगवान, क्या करूं गाइस, करना ही पड़ेगा। देखिए गाइस इतना राशन लेके आ रहे, ये सर में बोकने के लिए बनाए और इसमें हाथ डालने के लिए। देखिए गाइस ऐसा स्ट्रगल है, अभी यहाँ से नीचे आप लोगों ने अगर मेरा आगे वाला ब्लॉग देखा होगा तो अगर ये रास्ता भी देखा ही होगा तो देखिए, पता नहीं गाइस आज क्या हो रखा है, पता ही नहीं चल रहा है। देखिए ना बहुत ज़्यादा पानी, जो नदी का पानी है बहुत काला काला आ रहा है, अभी नदी से ही जाना है, डर डर भी लग रहा है, पता नहीं क्यों काला आ रहा है।
अभी तो नदी में कुछ भी हलचल हो जाए, थोड़ा काला पानी आ जाए, थोड़ा कुछ भी हो जाए, बहुत डर लगने लगा है। पूरा अपना मानसिक संतुलन ही हिल गया। अभी यहाँ से नीचे जाना है दोस्तों, राशन लेकर यहाँ से नीचे जाना है। पता नहीं आज कैसे पहुँचेंगे नीचे तक में। देखिए ये रस्सी लगा हुआ है, रस्सी लगाने से भी कोई फायदा नहीं है गाइस। ये रस्सी को अगर पकड़ेंगे ना तो ये जितना भी ऊपर वाला पत्थर है ना सब हिल के रस्सी के साथ ही नीचे गिर जाता है। पहले एक बार किसी को चोट भी लगा हुआ था, इसीलिए बिना रस्सी पकड़ के चल रहे हैं। देखिए ना पानी बहुत काला काला आ रहा है, बहुत डर भी लग रहा है। फिर ऊपर के रास्ते से जाने से तो बाप रे, मैं तो शाम तक भी नहीं पहुँचेगा, बहुत दूर है। पूरा 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 ये पहाड़ चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा। क्या करें, अभी इधर से जाना है। पानी का कलर देख के थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है, पर भगवान क्या करें। आप अगर किस्मत में जाना ही लिखा है तो जाएंगे जाएंगे, चाहे जो भी हो, जैसे करके भी। अभी बैग लेते हैं, नीचे चढ़ते उसके बाद फिर आप लोगों को सीधा पहुँच के मिलते हैं। अभी मेरा फ़ोन पकड़ के पूरा वीडियो ब्लॉक करने का वो नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी है सामान, आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए इसीलिए अभी पूरा पहुँच के आप लोगों को ऊपर से दिखाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर पहुँचे भगवान। तो गाइस देखिए हम गांव के वहाँ पे पहुँच गए, बैग इधर रखा है, इधर से हम लोग का गांव है और यहाँ नीचे से आ गए अभी। देखिए यहाँ से रास्ता है, वहाँ नीचे से, वहाँ से आके रास्ता 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 चल चल के चल चल के उधर से आया अभी। अभी थोड़ा बैग खोल के थोड़ा रेस्ट कर रही है। देखिए यहाँ पे इतना अच्छा से फूल खिला हुआ है। ओह थक गया गाइस, मर गया। ऐसे ऊपर में इतना तेज धूप लगा हुआ है, देखिए थक गया। और धूप नहीं होता तो, अगर नहीं थकता होगा, धूप की वजह से थक गया।